ये खबर सुनने के बाद हर हरियाणा वासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 में लगे हैं रोहतक की इस कंपनी के 76,000 नट बोल्ट। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद सूर्य का अध्ययन करने वाले आदित्य L1 को बनाने में हरियाणा के रोहतक ने अहम भूमिका अदा की है। आदित्य L1 में लगे 106 तरह के 76,000 नट बोल्ट का जो इस्तेमाल यहाँ किया गया है उसे रोहतक की LPS बोसार्ड कंपनी ने बनाया है। जानकारी के मुताबिक साल 2018 से 2020 तक 12 बार इसरो के वैज्ञानिकों ने इस कंपनी का दौरा किया और गहन परीक्षण के बाद 76,000 नट बोल्ट की डिलीवरी की गई है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े कार्यक्रमों में इस कंपनी का बड़ा योगदान है। LPS बासार्ट कंपनी में बने नट बोल्ट PSLV C-57 में इस्तेमाल किए गए थे। वहीं इससे पहले चंद्रयान 3 में भी इसी कंपनी के बनाए तकरीबन 1.5 लाख नट बोल्ट इस्तेमाल किए गए थे। अब कंपनी फिर से एक ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा बनने जा रही है। बहरहाल भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक बार फिर से परचम लहरा दिया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब सूर्य के संबंध में अध्ययन करने वाला आदित्य L1 भी लॉन्च हो गया है। ऐसे में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की निगाह भारत पर टिकी हुई है। वही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में जहाँ रोहतक की LPS बोसार्ड कंपनी के बने 1.5 लाख नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया, अब उसी कड़ी में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से LPS बोसार्ड कंपनी पर भरोसा जताया है। वही LPS बोसार्ड कंपनी की ओर से बताया गया कि इसरो की तरफ से साल 2018 में उन्होंने ऑर्डर मिला था। इसके बाद 2020 में उन्होंने 106 प्रकार के 76,000 नट बोल्ट तैयार किए और इसरो में भेजे। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के लिए भी कंपनी ने 1.5 लाख नट बोल्ट तैयार किए थे। उन्होंने बताया कि इसरो के वैज्ञानिक बड़े बड़े प्रशिक्षण के बाद उनके ऑर्डर को पास करते हैं। कंपनी भी हर तरह के मानक का ख्याल रखकर नट बोल्ट तैयार करती है। उन्होंने कहा कि ये देश की शान और सुरक्षा का मामला है, सावधानियों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया है। यह ऐसा पहला मिशन है जो सूर्य के अध्ययन को लेकर भारत की ओर से भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज़।